और भक्तों, जब ऊपर भी उजाला और दिया तले भी उजाला, चार और उजाला ही उजाला, ऐसी अवस्था जब प्राप्त होती है तब अंदर से आवाज आती है कि ये जो रीत है, इलम की रीत, ये तो न्यारी है। न्यारा मतलब बहुत प्यारा शब्द है, न्यारा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं। तो फिर लिखा है, इलम की रीत है न्यारी, इलम की प्रीत है न्यारी। कोई कहेगा ज्ञान में प्रीत कहाँ से आई, होती है। इलम की रीत है न्यारी, इलम की प्रीत है न्यारी। आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है, भक्ति की व्याख्या करते हुए बात चल रही है ज्ञान की, लेकिन शंकर भक्ति की व्याख्या जब करेगा, आचार्य शंकर, तो वो तो ज्ञान मार्ग, अद्वैत मार्ग उसका, तो शिवोहम न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खमनेन्द्रियम वा न तेषाम स्वरूप, बात ही अलग थी उसकी। तो मैं स्वयं शिव हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कि घोषणा कर दी थी बादरायण ने कि हम ब्रह्मास्मि, घोषणा कर दी थी मंसूर ने कि अनल हक, मुझ में ही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूं, मुझसे अलग नहीं है, खुदा और जुदा अलग नहीं है। तो ये न्यारी बात है। और जिन जिन लोगों ने ये इलम की बात की है, उन लोगों को बहुत सहन करना पड़ा, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। इलम की रीत है न्यारी, इलम की प्रीत है न्यारी। हम आद्य शंकराचार्य की बात कर रहे थे, तो आद्य शंकराचार्य महाराज ने भक्ति की व्याख्या की, और ज्ञानी जब भक्ति की व्याख्या करेगा तो ये ज्ञान पूर्ण ही होगी, बहुत स्वाभाविक है। ज्ञानी जो भक्ति की व्याख्या करेगा तो ये ज्ञान किस स्तर की होगी, सीधी बात है। तो शंकराचार्य ने लिखा है कि स्वस्वरूप अनुसंधानम इति भक्ति रीति। स्वस्वरूप अनुसंधानम, उसने क्या भक्ति रीति, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति, स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। स्वस्वरूप के साथ अनुसंधान, आत्म स्वरूप के साथ अनुसंधान, उसे फिर आत्मा कहो, उसे परमात्मा कहो, उसे चैतन्य कहो, उसे स्पिरिट कहो, उसे सुप्रीम पावर कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन जो अंश रूप मेरे भीतर बैठा है, बस वही परमात्मा है, और उसके साथ अनुसंधान जो, वही तो है भक्ति। ये बात तो ज्ञान की है, चल रही है तो अनुसंधान की बात ही, खुद और खुदा के अनुसंधान की बात ही तो चल रही है। तो शंकराचार्य महाराज भक्ति की ये व्याख्या करते हैं कि स्वस्वरूप के साथ अनुसंधान ही तो भक्ति है, लेकिन ये उसका अनुभव है, इससे सरल व्याख्या वह नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति मार्ग में ज्ञात को प्रेम करना होता है, और ज्ञान मार्ग में ज्ञात होने पर भी जो अज्ञात है उसको चाहना होता है। फिर से बोल रहे हो, ध्यान देना, भक्ति मार्ग में ज्ञात को प्रेम करना होता है। आपके कोई इष्ट देव होते, कृष्ण है, जैसे मीरा ने कृष्ण को चाहा, भले 5000 साल का फासला था, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल, उसने कह दिया ठीक है, प्रेम दीवानी मीरा दुनिया ने कहा, सब सहन कर लिया उसने, लेकिन वो कृष्ण को चाहती थी, कृष्ण का उसके सामने एक स्वरूप था, छवि थी, जो छवि परंपरा से चित्रकारों द्वारा, शिल्पकारों द्वारा उतर आई है, वो छवि थी। कोई राम को भजता है, कोई जगदम्बा को भजता है, लेकिन वो ज्ञात है, उसके पास एक कल्पना, केवल कल्पना नहीं, लेकिन उसके पास एक चित्र है कि हाँ मैं इसको भजती हूँ। कोई शिव को भजता है तो शिव का चित्र होता है, या तो शिव का लिंग या बाण होता है, लेकिन अज्ञात को चाहना, कि जिसे कहीं देखा
नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसका आकार नहीं, जिसका रंग नहीं, जिसका रूप नहीं, निर्गुण जो है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहे, घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। तो ऐसे निर्गुण को चाहना, जिसका गुण नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, रंग नहीं, जान नहीं, न पहचान, न किसी से सुना है, खाली हाँ अनुभूति है कि ये सब चल रहा है, मेरा बोलना इतना सुंदर मुझे बनाया, ये आंखें, ये नाक का सूंघना, नाक के द्वारा, कानों के द्वारा सुनना, हाथों के द्वारा क्रिया होना, प्रेम की अभिव्यक्ति होना, सामने वाले की आंखों के द्वारा उस अभिव्यक्ति का जवाब मिलना, तो ये इस सब के पीछे कुछ राज तो है, और वो राज ही परमात्मा है। वो सब परमात्मा के कारण ही है, जो महाघेरनहारा जो घेर कर बैठा है, बस वही है, पहचान लिया, जान लिया, अब मुझे कोई धोखा दे सकता नहीं है, मेरे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो इलम की रीत है न्यारी, अज्ञान अज्ञात को प्रेम करना, इलम की रीत है न्यारी, इलम की प्रीत है न्यारी, इलम की रीत है न्यारी, इलम की प्रीत है न्यारी। क्या होता है इसमें, न्यारी कैसे कही, रीत को और प्रीत को, ज्ञान की रीत और प्रीत को। यहाँ कटता है सर पहले, यहाँ कटता है सर पहले, जिंदाबाद में होता, यहाँ कटता है सर पहले तो जिंदाबाद में होता, यहाँ कटता है सर पहले तो जिंदाबाद में होता। इसका मतलब ये नहीं कि सर काट को रख देना है, सर का अर्थ यहाँ करना है अहंकार। अहम कहाँ हावी होता है, आदमी के सर पे, तो यहाँ कटता है सर पहले, तेरे सर पे जो अहंकार हावी हो गया है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मेरी वजह से हुआ, तो मैं का शुद्धिकरण हो जाता है। मैं का शुद्धिकरण हो जाना मतलब सर कट गया, फालतू में जो चीज सर पे चढ़ी हुई थी, तेरे पर हावी होकर तुझे नाच नचा रही थी, अज्ञान में तू जरा बोर था, तुझे ईश्वर का कोई पता ही नहीं था, और पता देने वाले थे वो झूठा देने वाले थे धार्मिक सिक्का लगाकर। तो कहने का तात्पर्य है कि अहंकार चूर चूर हो जाता है, जहाँ कटता है सर पहले जिंदाबाद में होता, यहाँ कटता है सर पहले जिंदाबाद में होता। सर कट गया, अहंकार गया, मैं से अहंकार निकल गया, और शुद्धिकरण मात्र शुद्ध तत्व जो रह गया, वो ही परमात्मा, वो ही खुदा, वो ही राम, वो ही रहे। नमस्कार।